देख नक्श, तू इस तरह वहां अकेले नहीं जा सकता। अरे मैं कहता हूँ कि पुलिस को खबर कर देते हैं ना। पुलिस को खबर करने से क्या हुआ था? रिमझिम ने पाकी को वापस किया? नहीं ना, रिमझिम हमारे घर के अंदर घुस के हम सबके सामने खड़े होकर धमकी देके गई है। I'm sorry केतन भाई, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने फिर भी पाकी को नहीं लौटाया तो? माँ सही कह रही है भाई, उसका भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने बाद में भी कोई धोखेबाजी की तो? तब की तब देखी जाएगी ईशान। ये सब सही कह रहे हैं नक्श। रिमझिम की कोई भी शर्त मानने से पहले 100 बार सोच लेना। 100 बार सोचने का क्या फायदा होगा? आप मुझे ये बताइए कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पाखी को घर वापस लाना, और मुझे जो रास्ता सामने दिख रहा है वही तो चुनना पड़ेगा ना। लेकिन नक्श, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगी ना माँ। मैं वादा करता हूँ आपसे भाभी, पाखी को वापस लेकर आऊंगा। घर? घर। मैं कुछ नहीं होने दूंगा मेरी पाखी को। नक्श, पाखी, काश तुम मेरे पास होती पाखी। नक्श, पाखी, पाखी तुम वापस आ गई। पाखी, तुम उस रिमझिम की कैसे छूटी? कैसे? अब मुझे कहीं जाने नहीं दूंगा पाखी। नक्शी, आपसे किसने कहा पाखी आजाद हो गई? क्या हो गया मेरे भोले बालक? मुझे पाखी समझ रहे थे क्या? अभी तो रात शुरू हुई है। वादा करती हूँ, पाखी का नाम आपकी जुबान से तो क्या, आपकी जहन से निकाल दूंगी। नक्श जी को नहीं पीना तो मुझे कैसे पसंद हो सकता है। कभी कभी कुछ तो पिया हमसे, से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का भी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई नक्श जी। आपको मेरे साथ रात बिताने में इसीलिए हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि अभी तक आपने मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया है। जो फेरे 6 पे रुक गए थे उन्हें पूरा कर दीजिए नक्श जी, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। सुहाग रात मनाने से पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। नहीं रिमझिम, रिमझिम तुमने ये शर्त नहीं रखी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी पाखी से हो चुकी है। शर्त नहीं रखी थी तो अब रख लेते हैं। वो क्या है ना नक्श जी, रिमझिम की हर बात के ऊपर एक स्टार लगा होता है और नीचे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई, मतलब बाकी की शर्तें बाद में होंगी। और नई शर्त ये है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी नक्शी, वरना पाखी नहीं मिलेगी। रिमझिम, रिमझिम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रिमझिम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ रिमझिम क्योंकि मैं पाखी से प्यार करता हूँ। रिमझिम प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज पाखी को छोड़ दो। शादी तो आपको करनी होगी नक्शी, वरना पाखी नहीं मिलेगी। देख कह रहे हैं नक्शी, सुना नहीं आपने? भरिए मेरी मांग, पहनाइए मुझे मंगलसूत्र, बचा लीजिए बाकी को। नक्श और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, समझे तुम? तुम ठीक हो ना बाकी? हाँ तुम ठीक हो ना? ये प्यार है रिमझिम जो जबरदस्ती नहीं होता। जब दो दिल मिलते हैं ना तो प्यार हो जाता है, जैसे नक्श को मुझसे हो गया। और तुमसे होता भी कैसे, क्योंकि तुम तो किसी की नफरत के काबिल भी नहीं हो। और अब तुम्हारी असली जगह जाने का वक्त आ गया है रिमझिम, जेल। रिमझिम, हमेशा तुम्हें यही लगता है ना पाखी कि तुम जीत रही हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि नक्श के साथ यहाँ अकेले आ जाऊंगी बिना किसी हथियार के? ऐसे कैसे? तुम दोनों से बिना बदला लिए मैं कैसे जा सकती हूँ? बस बॉल फेंक दो, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्या होता है क्या नहीं ये मैं बताती हूँ, अंदर आ जाओ। रिमझिम, तुम चाहती क्या हो? थोड़ा मजा, थोड़ा बदला। चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन बचता है और कौन मरता है। पाखी, ये लो। इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली है, पता नहीं किस खाने में है। चलाओ ये गोली नक्श पर। अगर ये गोली चली तो नक्श गया, अगर नहीं तो नक्श तुम पे गोली चलाएगा। और इस खेल में अगर तुम दोनों में से किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम दोनों पे गोलियां चलाएंगे। ठाए ठाए ठाए। और मैं ये बता दूं कि इनकी पिस्तौल में गोलियां ही गोलियां हैं। चलो पाखी, मेरा मुंह क्या देख रही हो, बंदूक उठाओ। समझ में नहीं आता एक बार में, पिस्तौल उठाओ। वरना मेरे आदमी गोली चला देंगे।